दोस्तों में आप ले था थाना मंदिर जाता था बेहन दूरा वाला यहाँ से भी काफ़ी दूर है ठीक है तो रनिंग करके मैं जाता हूँ जब भी जाता हूँ मंदिर में ठीक है जब ज़्यादा भीड़ हो कोई प्रॉब्लम आएगी जबरदस्ती वाली बात हो तो मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि मैं रनिंग की साथी पूरा सामान पूजा का वगैरह पूरा किट और डॉग का किट डॉग का दूध डॉग की ब्रांड वगैरह सब लेके साथ लेके चल रहा हूँ और रास्ते मैंने फीड भी कर दिया है ठीक है ये डॉक को फिट कर दिया रास्ते में अब आपको ये देखो ये हिंगला देवी सारे सिद्धार्थि मंदिर अट्ठाईस और खेती खान तीस किलोमीटर है और पैदल निकलेगा दोस्तों मतलब आगे से रास्ता है यहाँ से इस साइड से तो आगे रास्ता पड़ गया ना वो तकरीबन ये अपना मतलब तो एक किलोमीटर के नीचे से पैदल रास्ता है चौदह किलोमीटर जो सामने वो जा रहा है इलाका ना रोड जा रही है ठीक है ये बारह किलोमीटर खेती खान को जाना वो रास्ता ये शॉर्टकट रास्ता खेती खान है और ये तीस किलोमीटर यहाँ खेती है तो अट्ठारह किलोमीटर का रास्ता आपको कम पड़ जाएगा अगर आपकी बॉडी में वेट नहीं है तो दो तो फ्रंट के इलाके पूरे सीढ़ा खेत है आपको दिख रहा होगा ठीक है और ऊपर जो है पूरी हरियाली छाई हुई है और जो इलाका सामने जो है पूरा जो डेड ग्राउंड का इलाका हो गया ना मैं चाहता हूँ कि वो देखो ऊपर भी खेती करना शुरू कर दिया यार लोगों ने ठीक है हाइट पकड़ते जा रहे हैं ये लोग ना जमीन अगर ये मकान में बना हैं तो इनकी ये सोचते हैं कि बस ये इलाका पूरा हमारा हो गया फॉरेस्ट डिपार्ट में इस पर ध्यान देना चाहिए जो ऊपर के गैप है ना उनको काट के ना आप देखोगे सामने वो उधर के इलाके में भी सीढ़ी धुमा खेत बना दिए हैं टोटल के टोटल पूरे सीढ़ी नुमा खेत बना दिए गए हैं ठीक है और ट्रैक ऊपर तक चला गया और उस इलाके के बीच का जंगल पूरा साफ कर दिया गया दोस्तों लोग और जुम करके दिखाता है ये देखो ये पूरा लंगा कर दिया गया है खेत बनाने के चक्कर में ठीक है यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह ने संज्ञान लेना चाहिए और ये जंगलों को बचाने के लिए डिफॉरस्टिंग को रोक के लिए ना ग्लोबल वार्मिंग से अपने को सेफ पता अखंड को ये बहुत करना बहुत ज़रूरी है वो देखो वो इलाका भी पूरा नंगा कर दिया गया है वो देखो पूरा इलाका नंगा हो गया बीच में पूरे पहाड़ पेड़ हैं तो वहाँ पर क्या कोई छुआछूत की बीमारी लगी थी जब पेड़ वहाँ पर नहीं हो गए तो वहाँ पर भी क्या गया पूरा नंगा कर दिया गया वो देखो वो सामने इलाका देखो पूरा नंगा कर दिया गया है ठीक है जहाँ पर मकान बने उस इलाके को पूरा नंगा कर दिया गया ठीक है दोस्तों इनका रिस्पॉसिबिलेगी कि यहाँ पे जहाँ भी मकान बना ना वहाँ पर कम से कम दस गुना कम से कम पेड़ लगाए और बड़ा और खड़ा करें तभी इसको परमिशन दी जानी चाहिए दोस्तों ठीक है वो तो ये क्यों इलाके नंगे होते जा रहे हैं गैप गैप के रैठ के देखो तो पूरा नंगा होता तो जा रहा पहाड़ तो आप लोगों से भी है मेहरबानी करके हाथ जोड़ के उत्तराखंड के फॉरेस्ट विभाग से प्लीज़ मेहरबानी करके एक एक्स सोल्जर एक्स सुधार मीटर भारतीय जिले आपसे निवेदन करता है ना कि मेहरबानी करके ना इन पहाड़ों को बचा लो यार भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपको रिसोर्स दी गई है तो यार इन पहाड़ों को बचाना इन जंगलों को बचाना आपकी रिसोर्स भी बनती है तो आपके अंदर कोई भी मकान मेहरबानी करके मत बनाइए आपसे हाथ जोड़ के बनती है ठीक है क्योंकि तो धीरे धीरे विकास की तक नाम पर पे, पेड़ों का जो है जिस तरीके से कतलेआम किया गया बहुत बुरा लगता है ये देखो ठीक है ऊपर का टॉप का इलाका साफ़ हो गया और पीछे पीछे वो इलाका पूरा नंगा कर दिया गया है और अभी बरसात का मौसम था उस इलाके में पूरे पेड़ लग सकते थे ठीक है अगर पेड़ नहीं भी लगाते तो बीच गिर के ऑलरेडी वहाँ पे पेड़ हो जाते लेकिन वो इलाक़ा पूरा क्या पूरा साफ़ हो गया वो देखो ठीक है मैं यहाँ पर टूरिस्ट पर के यहाँ पर न्याया हूँ मेरा काम है ठीक है मुझे इन चीज़ों को मतलब नहीं है कि फलाना ठिकाना ये सब अपना नाम करना ये करना लेकिन यार डिफॉरेस्टिंग होते हैं पेड़ों को कटान करते हो ना पेड़ है तो कल है यार जल है तो ठीक है दोस्तों जल है तो कल है इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें और जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे ना हमारी ज़मीन उतनी मज़बूत और पक्की होगी और जितनी भी बारिश आएगी तो हमारी जड़ ना पेड़ों की जड़ जो ग्री बनाए रखेगी ये किली मैं उत्तराखंड से बना रहा हूँ चंपावत के अंदर से बना रहा हूँ दोस्तों ठीक है कल या परसों में चले जाओ कहने का मतलब ये नहीं है यार कि देखो देखो नोट ये जो जो विकास के नाम पे ना जो पहाड़ों का कतला हो रहा है ये नहीं होना चाहिए यार प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है ठीक है ऊपर टॉप के जंगलों को बचाओ और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश देश की जनता ने करनी चाहिए और उत्तराखंड वालों ने इसका विरोध करना चाहिए जो जावे दाएँ बाएँ बेमतलब की जगह पर मकान बन रहे हैं तो इसको नहीं बनने देना चाहिए ठीक है नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा अंग्रेज़ों की वजह से अंग्रेज आए थे ना वो अंदर घुस जाएंगे बाहर के लोग और तुम लोग बाहर कर दिए जाओगे और तुम लोग इनके अंडर काम करोगे जैसे अंग्रेजों के अंडर हमने काम किया था ठीक है ये जगह देखो शर्म को शर्मसार मत करो जय हिंद मातरम अभी मैं अपने इष्ट देव के मंदिर जा रहा हूँ दोस्तों वहाँ दर्शन करके आऊंगा रनिंग करके मैं हमेशा जाता हूँ अभी काफ़ी दूर है अभी शुरुआत है चलो दोस्तों टाइम से मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा या बीच में कोई क्लिप डॉग फीट वगैरह कराऊँगा या कुछ कराऊंगा आगे भी करा दी डॉग फीट तब मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा लेकिन दोस्तों हर वीडियो अलग आएगा मैं एडिटिंग पंद्रह लोग लोग सेवा में मैं मतलब लोग ही सेवा करने में या मानवता में मैं, मैं कंजूसी नहीं करता लेकिन इसमें मुझे बड़ा आलस आता है एडिटिंग बना मैंने सीख है, जैसा होता है मैं वैसा ही उतार देता हूँ जय ही बंदे मातर माता की जय